हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वीडियो नंबर 7 ऑफ द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। और मैंने जो पिछला टॉपिक डिस्कस किया था वीडियो नंबर 6 के अंदर, वो हमने डिस्कस किया था इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है ना। अब वीडियो नंबर 7 के अंदर जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, वो डिस्कस कर रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। अब अगर तुम बुक के अंदर देखोगे ना, तो इंटरेस्ट ऑन लोन के बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन, कैपिटल, करंट, उसका अकाउंटिंग और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग गिवन है। लेकिन मेरा सजेशन है आप मेरे सीक्वेंस को फॉलो करो, हम लोग वापस उस सीक्वेंस में चले जाएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, बट यू शुड फॉलो दिस सीक्वेंस जो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब तक तुमको क्लियर होगा पुराने वीडियोस को देख करके कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इट इज नॉट अ इनकम, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब पे करना है, जब फर्म को प्रॉफिट होगा। अगर फर्म को प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना है, ठीक है ना। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं होगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूं पुराने वीडियोस के अंदर। लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कैसे करना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, वो मैं तुमको इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा, ठीक है ना। अब अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले अगर अगेन मैं बात कर रहा हूं, अगर कॉपी पेन है तो प्रॉपर नोटिंग करते रहना, ठीक है ना। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। ये सबसे फंडामेंटल चीज है, ध्यान रखना। अगर तुमको बैलेंस शीट क्लोजिंग गिवन है, अगर तुमको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, तो क्लोजिंग कैपिटल पे कभी इंटरेस्ट निकलता है, क्योंकि वो कैपिटल हमारे एट द एंड होता है। हमेशा हम ये अज्यूम करते हैं वो कैपिटल जो हमारा बिगनिंग पे था, वो हमने पूरे साल कैरी किया होगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, ठीक है ना। तो पहला जो पॉइंट है वो मैं आपको ये समझा रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन से कैपिटल पे निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे। अगर तुमको क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अगर तुमको क्वेश्चन के अंदर इफ यू आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन द फिगर ऑफ क्लोजिंग कैपिटल, रिमेंबर यू नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में तुमको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो पहले तुम लोग ओपनिंग कैपिटल निकालोगे और उसके बाद तुम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक है ना। तो अब मैंने क्या बताया, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन देन फर्स्ट ओपनिंग कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड एंड देन इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड। मतलब क्लोजिंग कैपिटल है तो पहले अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालना है और ओपनिंग कैपिटल को निकालने के बाद हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कैसे करना है तो ध्यान देना बोर्ड पे। क्लोजिंग कैपिटल हम लोगों ने क्लास 11 के अंदर डिस्कस किया था, मैं तुमको वापस रिकॉल करता हूँ, रिवाइज मैं तुमको याद दिलाता हूँ। 11 क्लास में तुमने फाइनल अकाउंट पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का, ठीक है ना। वहां तुमको ध्यान होगा बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल के अंदर प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्रॉइंग लेस करते थे, लॉस होता था कैपिटल में से माइनस करते थे, ठीक है ना। इवन तुमने क्लास 11 के अंदर टॉपिक पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, उसके अंदर भी तुमने डिस्कस किया था क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालना है, ठीक है ना। तो मैं सिंपल बात है, अगर मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है तो उसमें मैं क्या जोड़ूंगा, प्रॉफिट, एडिशनल कैपिटल जोड़ूंगा, लॉस घटाऊंगा, ड्रॉइंग घटाऊंगा, तो कौन से कैपिटल पे आता हूं मैं, क्लोजिंग कैपिटल पे आता हूं। मतलब क्लोजिंग कैपिटल इक्वल टू ओपनिंग प्लस प्रॉफिट प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस लॉस माइनस ड्रॉइंग, ठीक है ना। अब मैं क्या बोलता हूं, अगर मैं मेरे को निकालना, अगर ये वाला कैपिटल गिवन है मेरे को और मेरे को ये वाला निकालना है, तो ओपनिंग कैपिटल इस तरफ आ जाएगा, क्लोजिंग इधर आ जाएगा, या मैं इन सारे आइटम को इधर शिफ्ट कर दूं, ओपनिंग इधर हो जाएगा, तो जैसे ही प्रॉफिट इधर आएगा माइनस का साइन आ जाएगा, एडिशनल कैपिटल इधर आएगा माइनस आ जाएगा, लॉस इधर आएगा ऐड हो जाएगा, ड्रॉइंग ऐड हो जाएगी, ठीक है ना। तो ओपनिंग कैपिटल इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस प्रॉफिट माइनस एडिशनल कैपिटल ऐड लॉस ऐड ड्रॉइंग्स, ठीक है ना। तो दिस इज द पैटर्न टू एस्टिमेट द ओपनिंग कैपिटल इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन। नाउ अब तुम ये ध्यान देना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अकाउंटिंग करनी कैसे, हम लोगों को क्या चीजें हमको ध्यान रखनी है। मैंने एक नोट लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एंड इज टू बी पेड ओनली व्हेन फर्म अर्न्स प्रॉफिट। मतलब अगर जब फर्म प्रॉफिट कमाएगी तभी हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है एंड डीड प्रोवाइड्स फॉर इट। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, आपने प्रॉफिट कमाया और डीड साइलेंट है, आपने प्रॉफिट कमाया डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है ना। मैं कुछ एग्जांपल से तुमको समझाने की कोशिश करता हूं, सब लोग ध्यान देना बोर्ड पे, ठीक है ना। अब ऐसा केस आप अज्यूम करो, ध्यान से समझना मेरी बात। मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देयर आर टू पार्टनर्स ए एंड बी, इनका रेशियो है 3:2। मैं सारे केसेस कवर कर दूंगा इस एग्जांपल में, ध्यान से समझना। आप ये एग्जांपल समझ जाओगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, जिनका रेशियो है 3:2, ठीक है ना। अज्यूम करो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का है लेट से 5000 और बी का है लेट से इंटरेस्ट 3000। मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का 5000 है और बी का 3000 है, ठीक है ना, और इनका रेशियो है 3:2। नाउ
अभी आप समझना, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। मान लो इनकी जो फर्म है वो पहले साल प्रॉफिट कमाती है 12,000 रुपए। मान लो इनकी जो फर्म है वो प्रॉफिट कितना कमाती है, 12,000 रुपए, ठीक है ना। 12,000 रुपए का प्रॉफिट है और आपको क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि डीड साइलेंट है, डीड इज साइलेंट। अब मेरे को एक बात बताओ, प्रॉफिट कमाया 12,000 रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का था 5,000 रुपए, बी का था 3,000 रुपए, प्रॉफिट कितना कमाया 12,000 रुपए और लिखा है डीड साइलेंट है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर डीड साइलेंट है तो इंटरेस्ट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इफ डीड इज साइलेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी अलाउड। आता है समझ में? डीड साइलेंट है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, भले ही फर्म कमा रही हो, प्रॉफिट कमा रही हो, तो आईओसी विल नॉट बी अलाउड। बोलो अब सर इसका क्या करेंगे 12,000 का? बेटा कुछ नहीं करना है, 12,000 घर लेके जाओ। 12,000 रुपए को आप क्या करोगे, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सिंपल, ए को कितना मिल जाएगा 12,000 का 3/5 और बी को कितना मिल जाएगा 12,000 का 2/5। गेटिंग माई पॉइंट? ये तो केस वो है जब डीड आपकी टोटल साइलेंट हो, ठीक है ना। कमिंग टू पॉइंट नंबर टू, अगर प्रॉफिट कमा रहे 12,000 और डीड अलाउस फॉर आईओसी, डीड बोलती है आईओसी मिलेगा, सिंपल डीड में लिखा है आईओसी विल बी पेड और कुछ भी नहीं लिखा है, तो प्रॉफिट होगा तो आईओसी मिलेगा। प्रॉफिट 12,000 है, 12,000 में इंटरेस्ट का 5,000 और 3,000 कितना बचा 4,000। इस 4,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, किस रेशियो में, 3:2 में। सिंपल, डीड अलाउ करती है, आप दे दो 5 और 3, आपका 4,000 रुपए ए और बी में प्रॉफिट के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट केस, थर्ड, लॉस है फर्म का 3,000 रुपए। फर्म का क्या है, लॉस है 3,000 रुपए। अब लॉस 3,000 है और डीड में लिखा है आईओसी विल बी अलाउड, there is a loss of 3,000 and deed क्या बोलती है, IOC will be allowed। loss 3,000 है, deed बोलती है IOC is allowed। अब यहां पे ध्यान रखना, firm loss में है, भले डीड में लिखा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ अप्रोप्रिएशन, तो इसलिए तभी अलाउ होगा जब फर्म के पास में प्रॉफिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड। क्या नहीं होगा, भले डीड में लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, क्योंकि फर्म किस में, लॉस के अंदर है। नेक्स्ट केस, अब मैं अगर नेक्स्ट केस की बात करता हूं, ध्यान देना। अब मैं लेता हूं, मान लो इनका जो प्रॉफिट है, फोर्थ केस में ले रहा हूं, अज्यूम करो इनका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट 6,000 रुपए। प्रॉफिट कितना है, 12,000 नहीं है, प्रॉफिट कितना है अब 6,000 रुपए। अब मैंने ये बताया अगर इनका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट इनका सिर्फ 6,000 रुपीज है। अब आप बताओ टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 5 और 3 मिलाकर के कितना आया, 8,000 रुपए। टोटल इंटरेस्ट आया 8,000, प्रॉफिट कितना है सिर्फ 6,000। अब आप मेरे को बताओ, प्रॉफिट 6,000 है, टोटल इंटरेस्ट 8,000 है, इस केस में क्या होगा बताओ, अपने पास में क्या टोटल फंड्स अवेलेबल है क्या? आप बोलोगे नहीं है सर, क्या करें फिर? अब ऐसे केस में जब आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, ऐसे केस में जब आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है, आपका प्रॉफिट इज नॉट एबल टू मीट द कमिटमेंट ऑफ इंटरेस्ट, तो ध्यान रखना आप इंटरेस्ट दोगे तो सही, लेकिन कितना इंटरेस्ट दोगे, ओनली अप टू द अवेलेबल प्रॉफिट। मतलब मैं इंटरेस्ट कितना दूंगा, सिर्फ अप टिल अवेलेबल 6,000। अब क्वेश्चन आता है सर 6,000 देंगे कैसे, ये तो 5 और 3 इनका टोटल अमाउंट है। नहीं, आपको टोटल इंटरेस्ट कितना देना है, 6,000, दैट टू इन द रेशियो ऑफ 5:3। यहां पर ये ध्यान रखना, नॉट इन द रेशियो ऑफ 3:2। बोलो सर 5:3 कहां से आया, ये 5,000 और 3,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में। मतलब अगर आपका प्रॉफिट इनसफिशिएंट है और डीड अलाउ कर रही है इंटरेस्ट को, प्रॉफिट इनसफिशिएंट है and deed is allowing the interest, then in that case you have to pay interest only up to the available profit, that too not in the ratio of profit। इस रेशियो में पे नहीं करना है, किस रेशियो में पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में, मतलब 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। आई बात समझ में? और लास्ट केस मैं ले रहा हूं, मान लो इनका प्रॉफिट 6,000 रुपए है
और डीड में ऐसे लिखा है आईओसी विल बी अलाउड और आगे ऐसा लिखा है आईओसी विल बी अलाउड एज अ चार्ज. क्या लिखा है? आईओसी विल बी अलाउड एज अ चार्ज. अब जैसे ही डीड में लिख दिया आईओसी विल बी अलाउड एज अ चार्ज, इसका मतलब फर्म के आपको पूरा का पूरा इंटरेस्ट 8000 रुपए देना है, फर्म में 2000 का लॉस बुक कर देना है और इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है. मतलब अगर डीड क्लियरली बोल रही आईओसी विल बी अलाउड एज अ चार्ज तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म को देना है, फर्म भले लॉस में चली जाए, ठीक है ना. और इस केस में ध्यान रखना हम लोग पीएनएल से चार्ज करेंगे ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन से. तो पूरे डिस्कशन को अगर मैं समराइज कर देता हूं तो सारे पॉइंट्स मैं वन बाय वन नोट कर देता हूं, आप लोग नोट कर लेना इन सारे पॉइंट्स को. मैं पहला पॉइंट बोलता हूं आईओसी विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट. आईओसी विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट के बाद मैं क्या बोलता हूं, प्रॉफिट हो भी गया, डीड अगर साइलेंट है तो आईओसी विल नॉट बी अलाउड. डीड अगर साइलेंट है तो आईओसी विल नॉट बी अलाउड. डीड स्पेसिफाई करती है फॉर आईओसी, तो आईओसी विल बी अलाउड ओनली व्हेन फर्म हैव प्रॉफिट. ओनली व्हेन फर्म हैव प्रॉफिट. नेक्स्ट, डीड अलाउ आईओसी बट प्रॉफिट आर इनसफिशियंट. प्रॉफिट अपने सफिशियंट नहीं है, प्रॉफिट कम है, तो आईओसी विल बी अलाउड अप टू मैक्सिमम अवेलेबल प्रॉफिट. दैट टू इन द रेशियो ऑफ IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो में होगा. और लास्ट, डीड अलाउ IOC एज अ चार्ज, तो IOC विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इज इन लॉस. इवन इफ फर्म इज इन लॉस. और इस केस में आप पीएनएल से चार्ज करोगे ना कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन से. तो ये एक पूरा कंसेप्ट था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बुक के क्वेश्चंस करेंगे. तो थैंक यू ऑल ऑफ यू. अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो देन डू लाइक द चैनल और अपने कमेंट्स हमको मेंशन करें. आपको कोई भी डाउट्स हो मेरे को व्हाट्सअप करें. दिस वुड बी अ वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी और मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसे ही मैं बहुत अच्छे से अकाउंट्स पूरे यूट्यूब पे पढ़ा सकूं, ठीक है ना. थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.